नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। व्यापारियों को मंजूर नहीं वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील, 28 सितंबर को करेंगे भारत बंद। देश के व्यापारियों को वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील मंजूर नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस डील के मौजूदा प्रावधानों से व्यापारियों का अहित होगा, स्थानीय दुकानदारों का धंधा चौपट हो जाएगा। इस डील के विरोध में कैट ने 28 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में व्यापारियों की विशाल रैली होगी। तब तक व्यापारियों के धरने प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे। सस्ती इंटरनेट दरों से भारत में आई डिजिटल क्रांति, डाटा का इस्तेमाल 19 गुना बढ़ा। मोबाइल दूरसंचार बाजार में उथल पुथल मचाने वाली रिलायंस जियो के कारोबार के पहले 2 साल में देश में मोबाइल इंटरनेट की दरों में तीव्र गिरावट और इसके इस्तेमाल में उल्लेखनीय विस्तार दिखा। कंपनी ने अपने कारोबार का 2रा साल पूरा कर लिया है। विश्लेषणों के मुताबिक इन 2 वर्षों के दौरान भारत में मोबाइल डेटा का इस्तेमाल 20 करोड़ जीबी से बढ़कर करीब 370 करोड़ जीबी तक पहुंच गया है। इसकी मुख्य वजह मोबाइल डेटा का सस्ता होना बताया जा रहा है। सीसीएसयू में बिछेगी शतरंज की बिसात। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस बार शतरंज की बिसात बिछेगी। विश्वविद्यालय को इस खेल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी दोनों में मेजबानी मिली है। इसमें करीब 50 विश्वविद्यालयों की टीम शिरकत कर सकती है। टीम को रुकने की व्यवस्था परिसर में ही की जाएगी। विश्वविद्यालय इसके लिए सेमेस्टर ब्रेक के समय को टूर्नामेंट के लिए निर्धारित कर रहा है। उस समय हॉस्टल खाली रहेंगे। जिम कॉर्बेट में 2.5 साल में 40 बाघों की मौत, अब सीबीआई करेगी जांच। जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य में बाघों की मौत की जांच सीबीआई करेगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अभयारण्य में पिछले 5 साल में हुई बाघों की मौत और उनके शिकार में अधिकारियों को कथित संलिप्तता की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसकी शुरुआती रिपोर्ट 3 माह के अंदर सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाएगी। सीबीआई जांच ने अपनी वन्यजीवी शाखाओं की सेवाएं भी ले सकेगी। 150 साल पुराने भाप इंजन से 2019 में सवारी करेंगे टूरिस्ट। दिल्ली में आने वाले पर्यटकों के लिए 150 साल पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन की सवारी करने की लालसा अगले साल तक पूरी हो सकती है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने ऐसी 3 भाप इंजन वाली ट्रेनों को यहां फिर से चलाने जा रहा है। इनमें से एक इंजन राम गोटी तो 1865 का बना हुआ है, फिनिक्स 1920 में निर्मित और फायरलेस लोकोमोटिव 1951 का बना हुआ है। विशेषज्ञों का एक समूह इन तीनों इंजनों को फिर से शुरू करने के कार्य में लगा हुआ है। रिसर्च में पता चला जितना हमने सोचा उससे अधिक ग्रह हैं रहने लायक। अब तक जितने ग्रहों को रहने लायक समझा गया है ब्रह्मांड में उससे कहीं ज्यादा ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने सुझाया है कि जीवन की माकूल स्थितियों के लिए लंबे समय तक जरूरी मानी गई टेक्टोनिक प्लेटें असल में आवश्यक नहीं है। वैज्ञानिकों ने ग्रहों पर जीवन की तलाश के वक्त वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के तत्वों को परखा। धरती पर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से सतह के ताप को बढ़ाता है। 5 रुपए की चॉकलेट खरीदने पर जियो देगा 1 जीबी 4G डेटा बिल्कुल फ्री। रिलायंस जियो ने लॉन्च से अब तक टेलीकॉम कंपनी की तस्वीर बदल दी है। कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर शुरू की थी जिसके तहत दूसरी कंपनियों ने अपने प्लान की कीमत को कम कर बेनिफिट्स को बढ़ा दिया था। कंपनी एक बार और यूजर्स के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपनी दूसरी सालगिरह पर एक नया ऑफर दे रही है जिसके तहत यूजर्स को डेयरी मिल्क चॉकलेट के साथ 1 जीबी डेटा फ्री दिया जाएगा। एशियन गेम्स 2018 में हासिल किया कांस्य, अब घर आते ही चाय बेचने लगा हरीश। एशियन गेम्स 2018 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एक तरफ पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश हो रही है, वहीं इन्हीं खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले हरीश कुमार इंडोनेशिया से आते ही चाय बेचने लगे। हरीश उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने सेपक टकरा टीम इवेंट में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को मिल गए हैं नए डॉक्टर हाथी। चर्चित कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता पिछले 2 महीने से डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने के लिए एक्टर तलाश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अब यह तलाश पूरी हो गई है। कवि कुमार आजाद के रोल के लिए कोई और नहीं बल्कि निर्मल सोनी को चुना गया है। वो पहले भी शो में डॉक्टर हाथी का किरदार निभा चुके हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद का 9 जुलाई को निधन हो गया था। सलमान को विदेश यात्रा के लिए हर बार इजाजत लेने की जरूरत नहीं। अभिनेता सलमान खान को विदेश यात्रा के लिए हर बार अदालत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अदालत ने सलमान द्वारा इस संबंध में किया गया अनुरोध स्वीकार कर लिया। सत्र अदालत काले हिरण के शिकार के मामले में खान को 5 साल की सजा के खिलाफ अपील सुन रही है। हालांकि खान को इस तरह की किसी भी यात्रा से पहले अदालत को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।